पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर की उपवल, चैप्टर नंबर 8 था हमारा उपवले, उसमें हमने कल थ्योरम कर रहे थे किसकी, अंतःस्थापन की। तो अंतःस्थापन की थ्योरम हमारी आधी तो हमने कर ली थी, यानी कि हमने कर लिया था कहाँ तक, बंटनशीलता तक, यानी कि आरएस को हमने प्रूफ कर दिया था कि ये एक वले है। उसके बाद में हमें प्रूफ करना था कि ये क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि वले तथा पूर्णांकीय प्रांत है। तो फिर क्या था उसमें कि एस आर एस का उपवले है, तो हमने वले प्रूफ कर लिया था। इसके बाद में हम करेंगे कि ये पूर्णांकीय प्रांत है, इसके बाद में करेंगे कि ये एक एस आर एस का उपवले है, फिर दोनों में तुल्यकारिता दिखाएंगे, उसके बाद में कह सकते हैं कि आर आर एस में अंतःस्थापित है। तो आपको अगर वले देखना है कि आर एस वले है, तो इसके लिए आपको पहले मेरा पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या मैंने वहां तक करवा दिया था कि आर एस आपका वले है, इसके बाद में आप प्रूफ करेंगे कि ये तत्स्मक की वले है, ठीक है? तो उसके आगे से देखना, इकाई सहित वले, इकाई अवयव का अस्तित्व, छठा पॉइंट था हमारा, सातवां, छह तो हो गए थे, इकाई अवयव का अस्तित्व, इकाई अवयव का अस्तित्व, यानी कि अगर इकाई अवयव का अस्तित्व होगा तो वह पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। तो इसके लिए माना, वन जीरो बिलोंग्स टू आर डेस तथा एम ए बिलोंग्स टू आर डेस के लिए, तथा एम ए बिलोंग्स टू आर डेस के लिए, वन जीरो एम ए बराबर क्या जाएगा, वन डॉट एम कोमा जीरो प्लस एम जीरो, सॉरी एम जीरो डॉट एम प्लस जीरो डॉट ए और प्लस वन डॉट ए बराबर क्या जाएगा, वन डॉट एम और जीरो प्लस ए, यानी कि यहां एम एम ए, ठीक है? इसी प्रकार एम ए वन जीरो बराबर एम डॉट वन कोमा ए डॉट वन प्लस ए डॉट जीरो और प्लस एम डॉट जीरो, तो ये क्या जाएगा, एम ए प्लस जीरो यानी कि बराबर एम ए। अतः हम कह सकते हैं दोनों से देखो वैल्यू बराबर आ रही है, ए जीरो एम ए बराबर भी क्या आ रहा है हमारे पास, एम ए, और एम ए वन जीरो से भी क्या आ रहा है आपके पास, एम ए। अतः हम कह सकते हैं कि जो आर एस है वो वन जीरो में इकाई अवयवी है, अतः वन जीरो आर एस में इकाई अवयवी है, ठीक है? अब हम प्रूफ करेंगे एस है वो आपका आरडीएस में उपवले है। तो उपवले सिद्ध करने के लिए हमें उपवले की दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पहले उपवले का सेट बना लो, माना एस आरडीएस का उपसमुच्चय निम्न प्रकार है, यानी आपने सेट किस प्रकार बनाया है, एस बराबर जीरो क्रॉस आर बराबर सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, यानी आपने एक सेट बनाया एस जो किस प्रकार है, जीरो क्रॉस आर
और जीरो ए, ए किसमें बिलोंग कर रहा है आपका, सेट आर में, ठीक है। अब देखो फॉर एवरी ए जीरो ए जीरो ए कोमा जीरो बी बिलोंग्स टू एस, पहली प्रॉपर्टी कहती है आपकी उपवलय की ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू बी क्या आएगा आपका एस, और दूसरी थी ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। तो दोनों प्रॉपर्टी लगा दो, पहली ए हमारे पास क्या है जीरो और ए, ए की जगह माइनस जीरो और बी, बराबर क्या जाएगा जीरो माइनस जीरो कोमा ए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ प्लस जीरो माइनस बी बराबर, यहाँ से क्या जाएगा जीरो प्लस जीरो कोमा ए माइनस बी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या जाएगा कोमा आएगा, यानी कि ये तो जाएगा जीरो कोमा ए माइनस बी, और ये भी किस में बिलोंग करेगा आपका एस में, ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो पहली प्रॉपर्टी सीध हो गई, इसी प्रकार किसके लिए करेंगे हम डॉट के लिए, यानी कि जीरो डॉट डॉट जीरो डॉट कोमा बी बराबर क्या जाएगा यहाँ पे जीरो प्लस जीरो और ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट बी और प्लस जीरो डॉट बी बराबर जीरो कोमा, ये हो जाएगा जीरो प्लस ए डॉट बी और प्लस जीरो, यानी कि जीरो कोमा ए डॉट बी बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका एस। तो डॉट के लिए भी क्या हो गया, ये एस में बिलोंग कर रहा है और ए माइनस बी भी किस में बिलोंग कर रहा है एस में, अतः हम कह सकते हैं कि जो एस है वो आर डैस का उपवलय है, अतः है एस आर डैस का उपवलय है, ये हो गया आपका उपवलय। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, तुल्यकारिता, तुल्यकारिता के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, पहले समाकारिता फिर एकेकी और उसके बाद में आच्छादक। आप देखो तुल्यकारिता के लिए, अब हम सिद्ध करेंगे कि जो आपके मैपिंग है फाई आ से एस में तुल्यकारी है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा, फाई को हमें क्या दिखाना है समाकारिता, तो समाकारिता की क्या डेफिनेशन थी, समाकारिता के लिए हमने दो कंडीशन थी हमारे पास, पहली क्या कंडीशन थी देखो ए, अगर फाई ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए, इधर देख लो एक बार थोड़ा सा, यानी कि एफ ए प्लस बी बराबर आपको प्यास क्या आना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन थी एफ ए डॉट बी बराबर क्या आना चाहिए एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो क्या है समाकारी है। तो इसके लिए देखो हमारे पास मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आर से एस तक, तो माना फाई ए बराबर जीरो कोमा ए, ए बिलोंग्स टू आर के लिए, तो फाई ए प्लस बी, फाई ए प्लस बी बराबर क्या जाएगा आपके पास है? फाई यानी कि जीरो तो आ जाएगा ए की जगह, देखो ए फाई ए बराबर था ए जीरो ए, तो ए प्लस बी बराबर क्या जाएगा जीरो और ए प्लस बी, जीरो ए प्लस बी बराबर इसको क्या लिख सकती हूँ जीरो कोमा ए प्लस जीरो कोमा बी, तो जीरो कोमा ए किसके बराबर है,
फाइव ऑफ ए के बराबर प्लस जीरो कॉमा बी किसके बराबर हो जाएगा, फाइव ऑफ बी के बराबर। और हमें यही सिद्ध करना था ए प्लस बी के लिए। इसी प्रकार किसके लिए करोगे आप, डॉट के लिए, यानी कि ए डॉट बी, फाई ए बी बराबर आ जाएगा आपके पास जीरो ए बी, जीरो ए बी यह आ जाएगा जीरो कोमा ए डॉट जीरो कोमा बी बराबर, ये किसके बराबर है, फाई ए के बराबर और डॉट फाई बी के बराबर, यानी कि फाई ए बी ए डॉट बी। तो ए प्लस बी भी किसके बराबर आ गया, फाई ए प्लस फाई बी के बराबर। देखो यही कंडीशन थी हमारे दोनों, और ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी के बराबर। अतः हम कह सकते हैं फाई हमारा क्या है, समाकारिता है। अतः फाई एक वलय समाकारिता है, अतः फाई एक वलय समाकारिता है। हो गई वलय समाकारिता। अब हमें क्या करना है, एकेकी और आच्छादक, समाकारिता एकेकी आच्छादक जो फलन होता है उसे हम तुल्यकारिता कहते हैं। तो समाकारिता के लिए दोनों कंडीशन हो गई। अब देखो एकेकी के लिए, एकेकी के लिए क्या जाएगा, फाई ए बराबर फाई बी, यानी कि जीरो कोमा ए बराबर क्या जाएगा, जीरो कोमा बी। तो जीरो कोमा ए किसके बराबर है, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी। तो हम कह सकते हैं इसलिए फाई एकेकी फलन, एकेकी फलन है। इसके बाद में क्या करेंगे, आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या होनी चाहिए, फाई ऑफ ए बराबर ए, प्रत्येक जीरो कॉमा ए बिलोंग्स टू एस के लिए, के लिए एस के लिए ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा विद्यमान होगा कि फाई ऑफ ए बराबर जीरो कोमा ए, अतः फाई आच्छादक है। समाकारिता हो गया, एकेकी हो गया, आच्छादक हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन एफ आई है वो आर से एस में एकेकी समाकारिता है। अतः फाई आर से एस में एकेकी समाकारिता है। अगर ये एकेकी समाकारिता हो गया, इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, तुल्यकारी है, यानी कि आर तुल्यकारिता एस, अर्थात आर तुल्यकारी एस। ठीक है, हमारी सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अतः हम क्या कह सकते हैं कि आर डेस वले आर का एक तत्समकी वले में अंतःस्थापन है। अतः आर डेस, अतः आर डेस वले आर में तत्समकी, वले आर में तत्समकी वले में अंतःस्थापन है। अंतः स्थापन है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारी हो गया कि आर किसमें अंतःस्थापन हो रहा है, आर डेस में। तो याद रखना अंतःस्थापन के लिए आपको कितनी कंडीशन प्रूफ करनी है। इसके बाद में देखो आप, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आती है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी पूर्णांकीय प्रांत क्या क्षेत्र में क्या होता है, अंतःस्थापन होता है।
देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि पूर्णांकीय प्रांत का खंड फील्ड होता है यानी कि अंतः क्षेत्र में अंतः स्थापित होता है। किसी भी पूर्णांकीय प्रांत या शून्य भाजकों से रहित क्रम विनिमेय वाले यानी कि इस पूर्णांकीय प्रांत को ही कहा गया है इसमें कि शून्य से शून्य भाजक शून्य के भाजकों से रहित क्रम विनिमेय वाले को एक क्षेत्र में किसमें अंतः स्थापन कर रहा है, क्षेत्र में किसको कर रहा है, पूर्णांकीय प्रांत को, यानी कि पूर्णांकीय प्रांत को किसमें अंतः स्थापन करना है, हमें क्षेत्र में अंतः स्थापित किया जा सकता है। यानी कि ये कह रहा है जो हमारा पूर्णांकीय प्रांत है क्या पूर्णांकीय प्रांत को क्षेत्र में अंतः स्थापित किया जा सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। या आप इससे और क्या पूछ सकते हो कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का खंड फील्ड होता है, यानी कि ये बात दोनों की सेम ही है कि पूर्णांकीय प्रांत को आपको क्षेत्र में अंतः स्थापन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें प्रांत में एक सेट बनाना पड़ेगा और उसमें तुल्य संबंध बताने पड़ेंगे। यानी कि इसके लिए देखो आप जो पूर्णांकीय प्रांत है आपका उसको पहले आपको क्या दिखाना है कि ये तुल्य है। तो तुल्य के लिए हम क्या करते थे, किसी भी प्रांत को हम तुल्य दिखाने के लिए उसमें तीन प्रॉपर्टी होती है उसको सेटिस्फाई करवाते थे कि क्या ये जो प्रांत है वो समतुल्य, सममित और संक्रामक है। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद में तुल्यता संबंध के बाद में हम करेंगे कि जो हमारी कंडीशन है वो इसमें डिफाइन हो रही है कि नहीं। यानी कि अगर हम ए अपॉन बी बराबर क्या ले रहे हैं, ए डेस अपॉन बी डेस, तो इनमें संक्रिया कराने के बाद में क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं अगर आते हैं तब तो हम आगे इसको प्रूफ करते हैं। अगर ये इसमें मतलब स्पेस इसको जो आपकी तुल्य ये है ना कंडीशन को यानी कि वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि इसमें बराबर नहीं होते, जैसे आम लेते हैं a बराबर b किसके बराबर है, a1 अपॉन b1 के, और हम गुणा की और योग की संक्रिया लगाते हैं तो हमारे पास जो a का मान किसके बराबर आ रहा है, a1 के बराबर, और b का मान b1 के बराबर। यानी कि अगर यहाँ हमारे a बराबर क्या रहा है a1 और b बराबर b1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो हमने कंडीशन लगाई है वो हमारी क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर ये बराबर नहीं आती है तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन ली है हमने हमारी वेल डिफाइन नहीं है, तो इससे क्या आगे हम आगे नहीं कर सकते। बाद में वेल डिफाइन होने के बाद में ही हम आगे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर ये वेल डिफाइन हो जाएगा तब हम सारी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी जो हमने सेवंथ एक्सरसाइज में लगाई थी, वही योग के लिए साचर्यता, तस्मक की वल्ले का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, क्रम विनिमेयता, गुणन के लिए साचर्यता और बंटन गुणन के लिए बंटनशीलता, ये सारे प्रॉपर्टी फिर इकाई सहित वाले ऐसे करके हम किस क्या करेंगे पूर्णांकीय प्रांत को एक क्षेत्र सिद्ध बताएंगे कि ये क्षेत्र में सिद्ध होता है, अंतः स्थापन करता है कि नहीं, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अब आप अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखना। ठीक है, धन्यवाद।